हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आज मैंने जो है ये एक स्वेटर पर इस तरह से गर्ल्स के स्वेटर पर जो है इस तरह से ये एक नेक का डिज़ाइन जो है वो क्रिएट किया है। तो ये जिस तरह से बनाया है मैं आज की वीडियो में जो है इसे पूरा एक्सप्लेन करूँगी किस तरह से बनाना है। तो देखिए देखने में बहुत अच्छा लगता है, बेडेड इसका जो है ये साइड्स आती हैं, तो बहुत सिंपल है इसे बनाना। जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक सीधा और एक उल्टा इस तरह से फंदे बनाते हुए मैंने जो है इसे बनाया हुआ है। और देखिए जैसे हम नॉर्मली गोल गले की घटाई करते हैं वैसे ही हमने आगे वाले फ्रंट पोर्शन पे जो ये गोल गले की घटाई है वो की हुई है। बीचों बीच 8 फंदे घटाएँ, उसके बाद दोनों तरफ से 4 3 2 1 करके फंदे घटाए हैं और ऊपर प्लेन बनाया हुआ है सीधा सीधा। तो इस तरह से जो है यहाँ पे मैंने घटाई की हुई है। और उसके ऊपर देखिए फिर नॉर्मली जिस तरह से हम गले के लिए फंदे उठाते हैं, गोल गले के लिए फंदे उठाते हैं, वैसे उठाए हैं। और ये जो सारे के सारे फंदे हैं वो हैं पूरे 90। तो 90 स्टिचेस जो हैं मैंने ये लगभग 4 से 5 साल के बच्चे के लिए उठाए हुए हैं। और इसे जो है 12 नंबर की गले वाली नीडल्स जो होती हैं उस पर बुना हुआ है। और ये जो ये कितना बुना हुआ है देखिए, यहाँ से हम गिन भी सकते हैं कितनी सिलाइयाँ बनाई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 सिलाइयाँ जो हैं इस तरह से मैंने ये सीधी सी ये जो है एक सीधा एक उल्टा फंदा बनाते हुए जो है ये थोड़ी सी लेंथ जो है बनाई हुई है। तो उसके बाद जो 9th रो है उस पर मैंने जो है एक ही बार में ये जो है बीट का डिज़ाइन बनाया और उसी पर जो है कास्ट ऑफ कर दिए हैं फंदे। और देखिए यहाँ पे मैंने ये जो है थोड़ी सी सिलाई कर दी है, इस वजह से ये इस तरह से आ रहा है। अदरवाइज़ ये जो है जैसे गले अगर हम ये वाली 9th रो नहीं बनाते तो हमारे जो नेक होते हैं अक्सर, जैसे कि यहाँ पे भी मैंने 90 फंदे बनाए हुए थे और उसके ऊपर सीधा ये एक सीधा एक उल्टा फंदा बनाते हुए ये गोल गला बनाया और उसके ऊपर मैंने एक लास्ट रो पे कास्ट ऑफ कर दिया था। तो अगर हम इस तरह से कास्ट ऑफ करते तो ये इस तरह से बनना था। और हमने यहाँ पे जो है ये लास्ट रो जिस तरह से बनाई है वो मैं आपको बताऊंगी। और इस तरह से बनाने के बाद जैसे ये फ्रिल्ड जो है ये बॉर्डर तैयार हुआ। और इसको किस तरह से करना है ये मैं बताती हूँ। अगर आपको टॉप डाउन कोई फ्रॉक या फ्रिल बनानी है एक ही सिलाई में फटाफट से ज़्यादा फंदों पर नहीं, तो लास्ट में सिर्फ एक ही रो आप जैसे मैं यहाँ पे बताऊँगी वैसे बनाने के बाद आप फ्रिल जो है कहीं पे भी बहुत आसानी से डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मैंने ये बनाने के बाद थोड़ी यहाँ से यहाँ जो है अंदर से थोड़ी सी सिलाई की है जिस वजह से ये इस तरह से बैठ गया है, अदरवाइज़ ये ऐसे खड़ा रहता है। और पीछे के पोर्शन पे अभी मैंने सिलाई नहीं की है तो ये थोड़ा इस तरह से है। और इसमें देखिए आप देख सकते हैं इस तरह से ये फ्रिल बनती है। तो चलिए अब इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो है मान लीजिए ये मैंने जो है फंदे उठाए हुए हैं, जो ये पार्ट है फ्रंट पार्ट उसमें से जो मैंने गले की घटाई करी है उस पर जो है मैंने ये फंदे उठा लिए हैं। और ये हैं 2 4 6 7 7 फंदे मान लीजिए उठाए हुए हैं। और इस गले में जो है मैंने पूरे 90 फंदे उठाए हैं इवन नंबर पे। तो अब देखिए जो ये बीडेड डिज़ाइन है वो सिर्फ हमने जो सीधा सीधा ये सीधा सीधा फंदे हैं 3 इन पर बनाने हैं। सीधे सीधे फंदे पर जो है हमने बीडेड डिज़ाइन डालना है और कास्ट ऑफ किस तरह से करना है वो देख लीजिए। तो पहला फंदा हम सारे की सारी जो ये फंदे हैं वो हमने उल्टे उल्टे ही बुनने हैं। तो पहला फंदा देखिए उल्टा नज़र आ रहा है, जो उल्टा फंदा होगा उसे हम इस तरह से उल्टा बुन लेंगे और उसको फिर इस तरह से रख लेंगे सिलाई पर और इसके साथ दूसरा फंदा ले लेंगे जो कि नेक्स्ट सीधा आएगा। तो ये ऐसे हमने फंदा डिक्रीज कर देना है जब हम कास्ट ऑफ करेंगे उसके साथ साथ बीडेड डिज़ाइन डालेंगे। तो ये हमने एक फंदा बंद कर दिया है और अब इसी फंदे पर सीधे सीधे फंदे पर जो ये लूप है इसी पर हमने डिज़ाइन डालना है। तो देखिए किस तरह से डालेंगे। तो पहला फंदा अब इस तरह से हमने उल्टा बुनना है, फिर इसे हम फिंगर की हेल्प से यहाँ पर थोड़ा सा लूज़ रखेंगे और पकड़ लेंगे और फिर हमने इस तरह से दूसरा फंदा भी उल्टा बनाना है बैक लूप से। एक बार हम फ्रंट लूप से फंदा बनाएंगे और एक बार बैक लूप से। तो ये तीसरा फंदा हमने फ्रंट लूप से बनाया, फिर चौथा फंदा हम फिर से
इस तरह से बैक लूप से बनाएंगे और पांचवा फंदा हम फ्रंट लूप से बनाएंगे। तो तीन फंदे हमारे फ्रंट लूप से बनेंगे और दो बैक लूप से बनेंगे। तो अब देखिए, जैसे ये फंदे हमने पांच फंदे बना लिए हैं, तो अब क्या करना है, हमने ये पांचों फंदे जो हमने थोड़े से लूज रखे हैं यहाँ, इस तरह से हम पांचों फंदों के अंदर इस तरह से जो है ये सिलाई डालेंगे ये वाली, और फिर आप इन पांचों फंदों को इकट्ठा बुन देंगे ऐसे। तो ये ध्यान से करना है, ये ऐसे। अब हम क्या करेंगे, अब हम कर लेंगे अपनी ओर धागा। तो ये देखिए इस तरह से बनेगा, और अब जो ये फंदा बना हुआ है इसे हम रखेंगे ऐसे सिलाई पर, और इसके साथ फिर आगे वाला उल्टा फंदा जो है वो भी ले लेंगे ऐसे। तो यहाँ पे हमने ये फंदा भी डिक्रीज कर दिया। अब यहाँ पे एक और फंदा डिक्रीज करना है, दो फंदे डिक्रीज करते जाएंगे और बीट का डिजाइन डालते जाएंगे। तो ये ऐसे, ये ऐसे। अब देखिए, अब हम यहाँ पे फिर से ये डिजाइन डालने वाले हैं। तो ये फंदा हम ये ऐसे ले लिया, और अब इसे फ्रंट लूप से हम उल्टा बुनेंगे, फिर बैक लूप से उल्टा बुनेंगे, फिर से फ्रंट लूप से उल्टा बुनेंगे, फिर से बैक लूप से उल्टा बुनेंगे, एक और लास्ट बार पांचवा फंदा हम फ्रंट लूप से बनाएंगे ऐसे, और अब ये सिलाई डालेंगे हम इन पांचों फंदों के। ऐसे, और अब हमने ये पांचों फंदों को इकट्ठा बुन लेना है सीधा। धागा कर लेंगे अब अपनी ओर, और यहाँ पे देखिए ये फंदा हम रखेंगे ऐसे, और दो का एक कर देंगे ऐसे, और एक और बार करेंगे ये देखिए। अब हमने इस वाले फंदे पर जो है पांच फंदे बना के बीट का डिजाइन डालना है। तो पहला फ्रंट लूप से, दूसरा बैक लूप से, तीसरा फ्रंट, चौथा बैक, और ये पांचवा ऐसे फ्रंट लूप से। आप धागे को ऐसे कर लेंगे और पांचों फंदों के अंदर हमने इस तरह से जो है सिलाई डालनी है, और इन पांचों फंदों को साथ में बुन लेना है। धागा अपनी ओर कर लेंगे, और जो ये फंदा बनता है आप इसे जो है हम इस तरह से सिलाई पर लेंगे और आगे वाले फंदे के साथ डिक्रीज कर देंगे। तो अब इसी तरह से देखिए, फिर लास्ट में हमारे पास जो फंदा होगा उसको भी हम डिक्रीज कर लेंगे यहाँ पे, और धागे को काटेंगे नहीं। देखिए ये धागा हम रहने देंगे। तो ये जो हमारा देखिए, ये सिर्फ सात फंदों पर जो हमने ये डिज़ाइन डाला, तो ये देखिए बाद में कैसे खुल के आता है। तो ये बिल्कुल फ्रिल की तरह बनता है इस तरह से। और इसके बाद देखिए हमने क्या करना है, अब देखिए ये हमने इस तरह से सारे फंदों को जो है डिज़ाइन डालते गए, डिक्रीज करते गए, एक बीट डालते गए, दो फंदों को डिक्रीज करते गए हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा जो है यहाँ पे हमने बंद कर दिया था। और फिर हमने यहाँ पे देखिए, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये थोड़ी सी इस तरह से हमने लूज़ लूज़ सिलाई जो है वो की हुई है, और यहाँ तक कर ली है यहाँ देखिए, और यहाँ पर सिर्फ थोड़े से पोर्शन पर रह गया है। तो ये मैंने इसलिए रखा है ताकि मैं आपको यहाँ पे बता सकूं कि किस तरह से करना है इसे। तो ये देखिए, ये हम इसलिए करेंगे ताकि हमारा जो कॉलर है वो थोड़ा सा इस तरह से बैठ जाए जैसे फ्रंट पोर्शन पर बैठ गया है। तो देखिए अब हमने इसे कैसे करना है, तो जो हमारा सीधा सीधा फंदा है उसका पहले हम
पहला वाला धागा उठाएंगे, देखिए ये पहला पहला धागा उठाएंगे और फिर उसके बाद पांचवा धागा उठाएंगे। ये कैसे उठाएंगे, देखिए बीच में तीन फंदों को, तीन धागों को छोड़ देंगे, एक दो तीन। तो ये पांचवा वाला इस तरह से यहाँ पे ये नज़र आएगा, तो इसे हम इस तरह से उठा लेंगे और इन्हें फिर इस तरह से साथ में बुन देंगे। तो ये हमने खींचना नहीं है बहुत ज़्यादा, इसे लूज़ रहने देना है ताकि बच्चों को जब हम स्वेटर पहनाएं तो, क्योंकि राउंड नेक है तो ये टाइट ना हो, आसानी से गले से उतर जाए या फिर निकल जाए। तो इस तरह से हमने इसी सिर्फ सीधे सीधे फंदे पर जो है इस तरह से करते जाना है। अगर हमने उल्टे फंदे पर करना है तो उल्टे पर भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा मैंने लूज़ रखा है, मैं सीधे सीधे फंदों पर ही इसे इस तरह से करती जाऊंगी। तो पहला जो ये लूप है इसका फंदा उठाती जाऊंगी और तीन धागों को छोड़ के फिर पांचवा धागा जो है उसे उठाती जाऊंगी इस तरह से और इस तरह से धागा करती जाऊंगी। इसे देखिए आप उल्टी सुई की जो है उल्टी साइड से भी कर सकते हैं, पीछे वाली साइड से। देखिए जैसे ये पहला धागा उठाया, फिर तीन को छोड़ा, फिर पाँचवा उठाया, इस तरह से कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हम करते जाएंगे और हल्का सा ही खींचना है इसे, बहुत ज़्यादा नहीं खींचना है। तो देखिए जैसे आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा नीचे को आ गया है, तो ये जब पूरा बन जाएगा तो हमारा नीचे ये बिल्कुल सेटल हो जाएगा। तो ये अब यहाँ तक मैं पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पूरा कर लिया है और इसको करने के बाद देखिए ये जो पीछे वाला पोर्शन है ये जो है इस तरह से बैठ जाता है और ये सारा पोर्शन देखिए इस तरह से बैठा हुआ आता है। अगर ये नहीं करेंगे तो ये सारा जो है खड़ा खड़ा जैसा आएगा और फ्रिल्ड जो होगा वो लगेगा और इस तरह से ये बिल्कुल अच्छा लग रहा है। तो ये एक बात का ध्यान रखना है, जो सिलाई करने वाला धागा है वो आपको या तो लूज़ रखना है ताकि गला इसमें आ जाए बच्चों का, और या तो अगर आपको बीच बीच में वो तोड़ के करना है ताकि फ्लेक्सिबिलिटी जो है गले की बनी रहे, तो पहनने और उतारने में मुश्किल ना हो, टाइट ना हो। या तो उस हिसाब से कर लीजिए या तो आप उतना रख लीजिए जितने में वो गला आ जाए। तो ये देखिए ये इस तरह से बनाने के बाद ये गला है जो बहुत ही सुंदर बन के तैयार हुआ है। तो इस गले को आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत आसान है बनाना, सिर्फ एक ही सिलाई का काम है और उसके बाद थोड़ी सी इसको सिलाई की थोड़ी सी ज़रूरत है ताकि ये बैठा रहे इस तरह से गला। तो देखिए इस तरह से बनाने के बाद ये बहुत अच्छा लगता है और इसको लड़कियों की स्वेटर पर मैंने डाला हुआ है, इसको बॉयज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बेबीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं और लेडीज़ पुलोवर्स टॉप्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो बनाइए फिर बताइए कैसा लगता है आपको ये पैटर्न, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।